ये हम तैयार होते हुए फैमिली के साथ लास्ट डिनर करते हुए, जैसे कि फैमिली हमारी इंडिया निकल रही है संडे को, ये मेरी बीवी हैं, इनको तैयार होते हुए बहुत टाइम लग रहा है। अभी शुरू किया मैंने, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ करने का, अगर हो पाए हमारे से तो। वैसे तो देखो क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या ट्राई, बाकी हम आपको दिखाएंगे यही नौसिखिया ब्लॉगिंग का नौसिखिया ब्लॉगिंग कर सकते हैं हम, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है कैसे करना है। अगर आप लोग साथ रहे तो, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद रहा तो। अरे वो आगे पीछे कभी बोला उन्होंने, इसमें आप जैसे देख सकते हैं मम्मी पापा को डांट रही हैं। देखो चलो यार, प्लीज तैयार हो, क्या नहीं है कुछ नहीं होता, तैयार हो क्या। पापा उठ जाते हैं और ऊपर अच्छे कपड़े पहन के हम अदरक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रिचमंड हिल वॉन, इतना दूर नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए। आसपास बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है इसका। रिव्यूज तो अच्छे हैं। फिर घर वालों कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तैयार होके बुलाने का फायदा, बेनिफिट हुआ कुछ तैयार होके लाने का? जगह अच्छी है इसीलिए लेकर आया मैं आपको। हमारा खाना अंजीर के कोफ्ते, अफगानी मुर्ग और नान। आपकी भी खींच रहा हूँ मैं। ये मेरी बीवी पोज देते हुए, खाना खाने के बाद इन्हें याद आया कि थोड़ा सा फोटो सेशन भी करना है। यहाँ मम्मी का वेट हो रहा है, मम्मी आराम से पैर ऊपर चढ़ा के बैठे हुए हैं। पीछे आप देख ही सकते हैं कि घर कितना क्योस है, पूरा सामान फैला हुआ है क्योंकि पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, इनकी फ्लाइट थी अगले दिन, तो उसी के चक्कर में घर पूरा फैला हुआ है। घर वालों पीछे मुड़ना जरा, इधर देखना जरा पीछे, तीनों पापा को भी दिखाओ, उनको भी बाय बाय कर दो, एक मिनट रुको। This is downtown Canada airport. There is a plane hanging. Billy Bishop Airport. यहाँ का भी experience हो गया घर वालों को छोड़ते हुए, घर की तरफ निकलते हुए। अब ये lake के पास है airport, बिल्कुल lake के साथ में। बड़ी बड़ी buildings आपको दिख जाएंगी बाहर। I don't know कितना close up आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट एयर कैनेडा की फ्लाइट्स होती हैं यहाँ से US के लिए और कनाडा के अंदर अंदर जाने के लिए, ऑटवा और मॉन्ट्रियल जाने के लिए। सोनिया को एक तो यार इसमें, जब हम जॉर्ज ब्राउन आते थे ना तब देखते थे हम एयरपोर्ट।
आई थॉट इट इज लाइक जस्ट लाइक कहते हैं ना पर्सनल होता है या कार्गो एयरपोर्ट होता है, मुझे भी यही लगा था। मैंने फ्लाइट्स देखी थी यहाँ से जो कार्गो वाली थी ना, आई सॉ दैट। ओके, फेरी जाती हुई आइलैंड की तरफ, यहाँ से जाएगी वहां लग जाएगी। यहाँ से जाएगी उस वहां सामने लग जाएगी। नो या आई सीरियस या अच्छा एम्प्टी है, इट्स एम्प्टी। दो बंदे बैठे ना ऊपर, बस ये यहाँ से वो एयरपोर्ट है। हाँ तो हम वहाँ कहाँ पहुँचे थे हम? क्या? We didn't go there, right? वहीं गए थे हम, वहीं से आए हैं। अच्छा अंदर अंदर ही सिस्टम बना रखा है ना? नीचे नीचे टाइल से जो है। नीचे नीचे, ओके। It's a good experience अगर आपको टनल लेनी है, सॉरी टनल कह रहा हूँ, फेरी लेनी है एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। जैसे कि बोला था मैंने आपको, बिली बिशप एयरपोर्ट पे हैं हम। फिर ये उसका व्यू ऐसे आएगा प्रॉपर, वहां पे कोने में ग्लाइडर प्लेन्स दिख रहे हैं। ओह या, एक हेलीकॉप्टर का वो घूम रहा था, अभी भी घूम रहा है। ये रहा विंग, दिस इज ऑल वाटर, इट्स जस्ट अहेड ऑन टॉप ऑफ वाटर। ये है सीएनटावर, जैसा कि आपने सारी वीडियोस में देखा होगा, कोई अलग चीज नहीं दिखा रहे हैं, बस बिली बिशप एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस हम भी पहली बार कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता था 5 साल हो गए रहते हुए कनाडा के अंदर कि यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट है जिससे आप इंडिया के लिए फ्लाइट्स ले सकते हो, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट के बाद। ये पूरा व्यू है लेक शोर का, यहाँ पे आपकी फेरी भी चलती है। okay, अगर आपको फेरी एक्सपीरियंस भी लेना हो तो टैक्सेस लेनी हो तो बस यही नज़ारे हैं यहाँ के कनाडा के। अर्ली मॉर्निंग, कनाडा's वेदर, ट्रैवलिंग टू वर्क, वेलकम टू कनाडा। ये है नेक्स्ट डे का वेदर, जब घर वालों को ड्रॉप कर दिया है, इट वाज क्रेजी स्नो, गाड़ी स्नो देख ठंड पड़ती है और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। पर गर्मियों में गर्मी भी ऐसी पड़ती है कि हमारा पूरा सीजन क्रिकेट खेलते खेलते काले भूत हो जाते हैं। Thank you for watching this vlog. Please like and subscribe और अपना सपोर्ट दिखाते रहें, आगे बढ़ाते रहें।